गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो नवरात्र व्रत में हम लोग खाते हैं। जो लोग नमक खाते हैं उनके लिए है ये। सो यहाँ पे मैं दो तरीके की पकौड़ी बनाने वाली हूँ और आप इसे नवरात्र व्रत में खा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि मैं आलू ले रही हूँ। मैंने आलू को इस शेप में काट लिया है और यहाँ पे कुछ मैंने पनीर के टुकड़े लिए हैं, वो मैंने ऐसे काट लिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगाड़े का आटा लिया है, ये टूटू आटा जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे मैं नमक और रेड चिली जो मैंने दरदरी पीस ली है, नमक मैंने ये लिया है सेंधा नमक, आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइस, हमें यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि हमने जो आटा लिया है ना, ये इसे ब्रेड का आटा बोलते हैं, कुटू का आटा, तो इसमें हम पानी डालेंगे सबसे पहले, इसका बैटर तैयार करेंगे। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसे मिक्स करें। आप एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पतला भी हो सकता है, और हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। मतलब जैसे बेसन का बैटर बनाते हैं सेम वैसा ही बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैटर मेरा तैयार है और आपको सेम ऐसा ही बैटर रखना है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, ये इतना अपने हिसाब से आप डाल लें, अपने स्वाद के हिसाब से। और मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने दरदरी मिर्च पीस ली थी, ये रेड चिली, और आप इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से मिक्स करें और इसे थोड़ा सा फेंट जरूर लें। फेंटेंगे तो इसमें जो अच्छे से हमारा अलग अलग नहीं रहेगा आटा, एकदम बढ़िया सा बन जाएगा बैटर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे फेंट लिया है, एक दो मिनट फेंटा था, ज़्यादा नहीं फेंटना है बस। अब हमारा बैटर तैयार है और अब रखेंगे हम कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे घी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और मैंने इसमें डाला है देसी घी। आप जो भी घी खाते हैं, ऑयल तो खाया नहीं जाता है व्रत में, तो आप जो भी घी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे घर का ही है, मैंने मोल नहीं दिया है, सो मैंने ये यूज़ किया है। आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सो अब मैं इसमें पहले सबसे पहले बनाऊँगी पनीर की पकौड़ी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं ऐसे पनीर के टुकड़े इसमें डाल दूँगी और एक एक करके मुझे स्पून से ऑयल में छोड़ना होगा। आप देखिए, आप ऐसे ही करें और आप इधर देखें, ऐसे ऐसे आप डालेंगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे और गैस को आप स्लो ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी पनीर के जो टुकड़े थे वो ऐसे डिप कर करके सारे डाल दिए हैं। आप इसे हल्की, मतलब लो फ्लेम पे आप इसे सेकें, अगर हाई पे सेकोगे तो ये जल जाएगा और खाने में भी एकदम कड़वा सा फील होगा, सो टेस्ट इसका कड़वा सा आने लगेगा। तो इसलिए आप बहुत स्लो एंड गैस को बिल्कुल लो पे रखें और हल्के हल्के इसे थोड़ी देर तक पकाएं। तो मैं इसे पकाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें पलट दिया एक बार और आप इसे सीखने थे, उसके बाद इसे निकालेंगे प्लेट में, फिर हम आपको दिखाते हैं सब करके। तो फ्रेंड्स, ये सीख चुकी हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा सा कलर आया और कितनी यम्मी सी लग रही है ना। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। और अब हम इसका अच्छे से ऑयल नचुड़ जाने देंगे, निकल जाए इससे, कढ़ाई में वापस चला जाए। फ्रेंड्स, आप खस्ता हो गई है। सो फ्रेंड, इसी बैटर में जो मैंने, जिस बैटर में पनीर की बनाई थी उसी में मैंने ये टोमेटो के जो स्लाइस थे ये डाल दिए हैं। अब हमने जैसे पनीर की इसे मतलब कढ़ाई में डाला था वैसे ही हम इसे डालेंगे एक एक करके, आप देखिए। सो हम डाल रहे हैं इन्हें अच्छे से, आप एकदम मिक्स कर लें इसे बैटर में। तो आप अच्छे से मिक्स करने के बाद आप एक एक करके इसे डाल दें ऐसे, और गैस को आप स्लो ही रखें। अगर हाई पे रहेगा तो ये जलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये जो आटा होता है ना जल्दी से एकदम ब्लैक हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो एकदम कड़वा सा हो जाता है। तो इसे लो फ्लेम पे ही पकाते हैं, नहीं तो ये खस्ता नहीं हो सकता और एकदम वैसा खाने में भी टेस्ट नहीं आता इसका। तो आप एक एक करके इसमें डालें, तो मैं आपको दिखाती हूँ डालने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें डाल दिए हैं ऑयल, घी में मतलब ऑयल निकल रहा है मुझसे, क्योंकि ज़्यादातर हम ऑयल में ही बनाते हैं ना, तो इसलिए ऑयल निकल रहा है। और हम अच्छे से कढ़ाई को ऐसे घुमा देंगे कि ऑयल हमारा सारे पकौड़ों में चला जाए। तो हम इसे स्लो ही फ्लेम पर रहने देंगे और इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आलू जो थे डाले थे डिप करके आटे में, वो भी हमने इसे पलट दिया है। अब धीरे धीरे सीखने देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बने हैं हमारे पनीर और आलू के पकौड़े। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बनके तैयार है मेरी एकदम यम्मी सी और कुरकुरी सी पनीर और आलू की पकौड़ी। सो आप इन्हें नवरात्र व्रत में खा सकते हैं अगर आप लोग नमक खाते हैं तो। सो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत जल्दी बनेंगी।
और ज़्यादा मतलब कुछ मसाले भी नहीं लगने हैं। जैसे बहुत से लोग मसाले नहीं खाते हैं व्रत में, तो मैं भी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए बहुत कम मसाले में और बहुत जल्दी झटपट बना लें। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये पकौड़ी यानी सी पनीर और आलू की और विद चटनी टोमेटो सॉस बनाई है मैंने यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत एकदम अच्छी है। तो आप ज़रूर बताएं, ट्राई करके मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।